हेलो भाइयों, कैसा आप सब? मैं हूं प्रियांश। चाबी आप जो मेरे हाथ में देख पा रहे हो, जिसमें आपको साइड में यहाँ पर बटन दिए जा रहे हैं जो कि भाई काफी प्रीमियम से की। ये भाई चाबी आपकी बिलोंग करती है किया को, और गाड़ी है भाई सेल्टॉस, अपने सेगमेंट की मिड साइज एसयूवी, जो भाई सीधे कॉम्पिटिशन देती है टाटा हैरियर और हुंडई क्रेटा जैसी गाड़ियों को। अगर इसके स्टार्टिंग प्राइस की बात की जाए तो 10,90,000 रुपए एक्स शोरूम से आपको इसका बेस वेरियंट देखने को मिल जाएगा। और अभी आप देख रहे हो भाई इसके ब्लैक कलर को। इसके अलावा आपके पास भाई काफी सारे कलर ऑप्शंस हैं, व्हाइट, ग्रे जैसे बहुत सारे कलर ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये जो सामने आप वेरिएंट देख रहे हो, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं डिटेल में, ये है भाई HTK प्लस पेट्रोल। 14,05,000 रुपए इसका एक शोरूम प्राइस है। और गाड़ी के ऑन रोड प्राइस को जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा। तो चलो शुरुआत करते हैं भाई सबसे पहले इसके डायमेंशन से। तो स्क्रीन पे आपको दिख जाएगी ओवरऑल इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट, जिससे आप पता कर सकते हो क्या इसकी ओवरऑल है डायमेंशन। अब सबसे पहले बात करते हैं भाई इसके हेडलैम्प्स की। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको मिलती है काफी बड़ी सी DRL की प्लेसमेंट, यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको दिए गए हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, जो कि भाई येलो लाइट रहने वाली, व्हाइट लाइट आपको देखने को नहीं मिलती है। इसी में आपको लो बीम, हाई बीम देखने को मिल जाता है। नीचे आप आओगे तो यहाँ पर आपको मिल जाती है फॉग लैम्प्स की प्लेसमेंट, और ग्लॉसी ब्लैक फिनिश आपको पूरा ही यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और इस HTK प्लस वेरिएंट में आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर किए जाते हैं, जो कि 4 रहने वाले हैं, 1, 2, 3 और 4। और अगर इसके फ्रंट ग्रिल की बात की जाए तो यहाँ पर आपको टाइगर स्टाइल नोज ग्रिल देखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश वगैरह मिल जाती है। और उसी के साथ जो ग्रिल है वो रहेगी पूरी मैट ब्लैक के अंदर। आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश की स्किड प्लेट और नीचे वाले ग्रिल भी मैट ब्लैक के अंदर ही देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आपको दिया गया इसका टोइन हुक का ऑप्शन। और जो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको लगभग यहाँ पर 190 mm के आसपास देखने को मिल जाता है, तो आपको खराब रास्तों में यहाँ पर किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है। अब हम बात करते हैं भाई इसके बोनेट एरिया की। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले काफी बड़ा सा किया का लोगो मिल जाएगा, जो कि रहेगा भाई इसके बोनेट पे। और ये कुछ रहेगा पूरा बोनेट, जो कि आपको यहाँ पर काफी कट्स और एरोडायनेमिक्स का देखने को मिल जाता है। साथ में आपको डुअल वाइपर्स विद वॉशर का सेटअप मिलता है। और ये कुछ रहेगी भाई रूफ, जिसमें आपको यहाँ पर सनरूफ भी देखने को मिलता है, साथ में रूफ रेल से पीछे आपको मिल जाता है शार्पिन एंटीना। फ्रंट हो गया कंप्लीट। अब आते हैं भाई इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ। तो ये कुछ आपको यहाँ पर पूरी डायमेंशंस नजर आने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के व्हील्स की। तो ये कुछ आपको यहाँ पर अलॉयस मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको किया का लोगो मिल जाएगा। और जो टायर है वो आपको मिलते हैं भाई यहाँ पर गुडियर के। टायर का प्रोफाइल है 205/65R16, 16 इंच के आपको अलॉयस मिलते हैं। अगर गाड़ी के ब्रेकिंग की बात की जाए तो चारों ही व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक ऑफर की जा रही है, और काफी चौड़ी सी मिल जाती है आपको ब्लैक कलर की क्लैडिंग। फेंडर पूरा क्लीन रहेगा, क्योंकि इंडिकेटर आपको मिलते हैं साइड वाले मिरर पे, जो कि रहने वाले हैं बॉडी कलर पे, इंडिकेटर्स के साथ में है। और आपको अगर इन्हें फोल्ड अनफोल्ड करना है, इसके लिए आपको अंदर बटन वगैरह नहीं मिलेगा, आपको हाथों से इन्हें फोल्ड अनफोल्ड करना पड़ेगा। बट एडजस्ट करने के लिए आपको अंदर बटन वगैरह दिया जा रहा है, आराम से आप एडजस्ट कर सकते हो इलेक्ट्रिक वे। अगर इसके पिलर्स की बात की जाए तो इसका ए पिलर है बॉडी कलर पे, और जो बी पिलर आपको मिलता है वो रहेगा भाई मैट ब्लैक के अंदर। ये कुछ रहेगा भाई डोर के हैंडल्स, जो कि रहने वाले हैं बॉडी कलर पे। और ये है भाई अंदर का पूरा कैबिन। इस HTK प्लस में आपको यहाँ पर बढ़िया सी टच स्क्रीन भी मिल जाती है, साथ में आपको जो क्लस्टर वगैरह भी काफी बढ़िया सा देखने को मिलेगा। और ये भाई मैनुअल वेंट है, अगर आप चाहो तो ऑटोमेटिक भी परचेज कर सकते हो। और ये है इसका कुछ फ्यूल फिल्टर, क्या 50 लीटर की आपको मिल जाती है फ्यूल टैंक कैपेसिटी, पेट्रोल डीजल दोनों ऑप्शन के साथ में। अब और ये है भाई इसकी बैक प्रोफाइल, जो कि रहने वाली है काफी ज्यादा अट्रैक्टिव से, बिकॉज यहाँ पर आपको जो है टेल लाइट मिल रही है वो है भाई बूट से कनेक्टेड। यहाँ पर नीचे आपको सेल्टॉस की बैजिंग के साथ में रिवर्स कैमरा दिया जा रहा है, साथ में काफी बड़ा सा किया का लोगो मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। वाइपर डिफॉगर नॉर्मल फीचर्स तो आपको मिलती है, उसी के साथ यहाँ पर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, स्पॉइलर, रूफ रेल्स, शार्पिन एंटीना, और साथ में आपको मिल जाती है पैरानोमिक सनरूफ। रियर की बात की जाए, अगर नीचे की तरफ आप आओगे तो यहाँ पर आपको देखो ये कुछ रहेगी इसकी रिवर्स लाइट, यहाँ पर आपको मिल जाती है रिफ्लेक्टर्स की प्लेसमेंट, और जो इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट है वो आपको मिलती है इसके अंदर, वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखो यहाँ पर आपको मिलते हैं इसके इंडिकेटर्स। बाकी नीचे 4 पार्किंग सेंसर्स हो गए, यहाँ पर आपको मिलती है सिल्वर फिनिश की स्क्रीन प्लेट पीछे की तरफ, और यहाँ पर आपको मिल जाता है पीछे का टोइन हुक का ऑप्शन। नीचे बैठ के अगर देखेंगे तो ये कुछ रहेगा पूरा भाई सस्पेंशन सेटअप, और यहाँ पर एग्जॉस्ट वगैरह आपको मिल जाता है। और अब हम बात करते हैं भाई इसके बूट स्पेस की। तो यहाँ पर आपको दिया गया बटन, जो कि हम एक बार प्रेस करेंगे, ये हो गया भाई रिलीज। आपके सामने है भाई 433 लीटर का बूट स्पेस, 433, काफ़ी बढ़िया सा है, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा डीप नहीं मिलेगा, एकदम स्ट्रेट है, जिससे आपको सामान निकालने रखने में किसी भी तरह की दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। साथ में आपको यहाँ पर एक लैंप भी मिलेगा, पार्सल ट्रे आपको नहीं मिलेगी, आपको ऐसे इसमें लगवाना पड़ेगा। और ये जो रियर की सीट्स आप देख पा रहे हैं, ये 100% फोल्डेबल है, ये पूरी ही फोल्ड हो जाती है, उसका लीवर आपको मिलता है यहाँ पर। और ये कुछ आगे का पूरा कैबिन है, जिसको भी आगे डिटेल में कवर करेंगे। स्पेयर व्हील की अगर बात की जाए,
वो आपको यहाँ पर नीचे मिलेगा, जिसका साइज रहने वाला है 205/65R16। सेम आपको मिलता है 16 इंच का। रियर हो गया कंप्लीट। अब आते हैं भाई इसकी इधर साइड में। देखो ओवरऑल गाड़ी के एक्सटीरियर की तो बात होगी, अब चलते हैं कैबिन के अंदर, वहां पर बैठ के चेक करते हैं आपको स्पेस कितना मिलेगा। तो सबसे पहले चलते हैं भाई इसके रियर सिटिंग पे। तो उससे पहले भाई इसके रियर के डोर जेट में जो कि आपको मिल रहे हैं पूरे मैट ब्लैक के अंदर, और यहाँ पर आपको मिलती है भाई हार्ड प्लास्टिक, ये भी हार्ड प्लास्टिक है, ये भी हार्ड प्लास्टिक है। साथ में आपको मिल रहा है यहाँ पर सन प्रोटेक्टर, जिसको आप इस तरह से लगा सकते हो और इस तरह से आप इसको हटा सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको डोर ओपनर लॉक अनलॉक जो कि मिलने वाला है सिल्वर फिनिश के अंदर। यहाँ पर स्पीकर के प्लेसमेंट है, नीचे बॉटल होल्डर है, यहाँ पर आपको मिलता है पावर विंडो कंट्रोल। रियर सीट्स की बात की जाए तो देखो फैब्रिक की सीट्स हैं ब्लैक कलर के अंदर। अगर आप चाहो तो अपने हिसाब से इस पर सीट कवर वगैरह लगवा सकते हो, कोई भी आर्मरेस्ट आपको रियर में देखने को नहीं मिलेगा। और पीछे वाली जो सीट की हेडरेस्ट भी आपको फिक्स मिलता है, आप इनको एडजस्ट नहीं कर सकते हो। चलो अब बैठते हैं इसकी सीटिंग पे, बात करते हैं लेग स्पेस की। देखो ये है कुछ लेग स्पेस। मेरी हाइट है 5'11" के आसपास, आगे वाली सीट मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखी है, फिर भी यहाँ पर जो लेग स्पेस है काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। और गाड़ी के अंदर का जो एरिया है काफ़ी खुला खुला सा है, तो आपको यहाँ पर कोई भी सफोकेशन फील नहीं होगी। सेंटर की बात की जाए तो यहाँ पर 2 AC के वेंट्स हैं, और सबसे मेन चीज़ भाई रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर 2 चार्जिंग पोर्ट्स में आपको यहाँ पर टाइप सी ऑफर किए जा रहे हैं। साथ में आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिया जाता है स्पेस, मोबाइल वगैरह आप यहाँ पर रख सकते हो। फ्रंट में आर्मरेस्ट है, बट रियर में आपको कोई भी आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ सीट बेल्ट वगैरह आपको मिल जाती है। ये कुछ साइड का पूरा डोर पैड रहेगा, पीछे पार्सल ट्रे भी नहीं मिल रही है, तो आपको एसेसरीज में लगवाना पड़ेगा, वरना आप इस तरह से कुछ खुला खुला भी रख सकते हो। साइड में ग्रैब हैंडल है। ये कुछ रहेगी भाई इसकी पैरानोमिक सनरूफ। बात करते हैं हेड स्पेस की। देखो ये कुछ हेड स्पेस है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर भाई पीछे की तरफ काफी अच्छा सा आपको मिल जाता है यहाँ पर सपोर्ट, आराम से आप बैठ के पीछे ट्रेवल कर सकते हो। रियर हो गया कंप्लीट, अब चलते हैं भाई इसकी ड्राइविंग सीट पे। तो उससे पहले मैं आपको दिखाऊं डोर हैंडल्स पे आपको यहाँ पर मिल रहा है भाई रिक्वेस्ट सेंसर, जो कि आप यहाँ पर बटन चेक कर सकते हो। इसको आप एक बार प्रेस करो गाड़ी आपकी लॉक हो जाएगी, एक बार प्रेस करो गाड़ी आपकी हो जाएगी अनलॉक। अगर ड्राइवर साइड डोर पैड की बात की जाए तो भाई वैसे ही पीछे की तरफ आपको पूरा मैट ब्लैक में मिलता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा मिल जाएगा हाथ रखने के लिए स्पेस, यहाँ पर सारे पावर कंट्रोल हैं, सेंटर लॉकिंग आपको दी जा रही है। साइड वाले मिरर को एडजस्ट करने के लिए सिर्फ आपको यहाँ पर बटन मिलेंगे, फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए कोई बटन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। डोर ओपनर लॉक अनलॉक मिल जाएगा, यहाँ पर बॉटल होल्डर है, स्पीकर की प्लेसमेंट है, और जो ट्विटर की प्लेसमेंट है वो आपको मिलती है भाई यहाँ पर। इस गाड़ी में 4 स्पीकर्स आते हैं और 2 आपको मिल जाते हैं फ्रंट के ट्विटर्स। और ये है भाई फ्रंट का पूरा हिसाब किताब। देखो यहाँ पर चाबी लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको मिलेगी भाई कीलेस एंट्री। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल है, आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन आपको मिल जाता है, साथ में मिलता है आपको हेडलाइट रेगुलर। नीचे आप आओगे तो यहाँ पर आपको मिलता है भाई मैनुअल के ABC पेडल्स, इसके अलावा आपके पास ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है। बाकी यहाँ पर आपको बोनेट ओपन करने के लिए लीवर, नीचे आपको फ्यूल कैप ओपन करने के लिए लीवर दिए जा रहे हैं। और अब हम बात करते हैं भाई इसकी फ्रंट की सिटिंग पे। देखो पीछे तो हेडरेस्ट है वो फिक्स है, बट जो आगे वाले आपको मिल रहे हैं ये हैं एडजस्टेबल, और इनका साइज भी काफ़ी बड़ा सा है, काफ़ी चौड़ी सी सीट आपको मिली, आराम से आप इसमें बैठ पाएंगे। अंदर थाई सपोर्ट की अगर बात की जाए, देखो ये मैं चेक करके आपको एक बार बताता हूँ। देखो ये कुछ मिल रहा है मेरी हाथ के साथ, तो काफ़ी अच्छा सा भी बैठ के प्रॉपर चेक करते हैं। हाइट एडजस्ट भी मिल रहा है आपको और रिक्लाइन भी मिल रहा है, तो सेटिंग आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जैसी आपकी हाइट है और जिस तरह से भी आप बैठते हो। तो भाई अब मैं आ चुका हूँ इसकी ड्राइविंग सीट पे। तो सबसे पहले बात करते हैं आगे विजिबिलिटी की। तो देखो कैमरा एंगल मेरी जस्ट आंखों के सामने है, ये कुछ आपको मिलने वाली भाई आगे से पूरी विजिबिलिटी। तो अच्छे से बोनेट वगैरह विजिबल हो रहा है, आराम से आप इसको ड्राइव वगैरह कर सकते हो बम्पर टू। अब ऑन करते हैं भाई इसके इग्निशन को। चाबी मैंने चुपचाप से अपने जेब में रखी, उसका कोई भी काम नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर प्रेस करना है इस बटन को। ये मैंने एक बार प्रेस किया, और दोबारा जब आप इसको प्रेस करोगे तो आपका इग्निशन हो जाएगा भाई ऑन। अभी इसके क्लस्टर की लाइट भाई इसलिए ऑन नहीं हुई क्योंकि इसकी जो की वगैरह है, इसका जो वो है वो उसको निकाल रखा है थोड़ा सेफ्टी के पर्पज से, इसीलिए अभी इसका इग्निशन ऑन नहीं हुआ है। इग्निशन ऑन हो चुका है, बट यहाँ पर आपको लाइट भी देखने को नहीं मिलेगी, और इसका क्लस्टर वगैरह जो ऑन नहीं होगा अभी। तो देखो फुली डिजिटल आपको मिलता है, जो कि भाई रहने वाला है 4.2 इंचेस का, और यहाँ पर आपको 8 इंचेस की टच स्क्रीन मिल जाती है काफ़ी बड़ी सी। और उसी के साथ अगर इसके स्टेयरिंग की बात की जाए तो आपको भाई काफ़ी बढ़िया सा मिल जाता है। यहाँ पर किया का लोगो है, लेदर रैप पूरा स्टेयरिंग आपको मिल रहा है, यहाँ पर सेल्टॉस की बैजिंग, सिल्वर फिनिश आपको मिल जाती है, साथ में यहाँ पर मल्टीमीटर टेलीफोनी के सारे कंट्रोल्स हैं, यहाँ पर क्रूज और MID के सारे कंट्रोल्स आपको देखने को मिलेंगे। स्टेयरिंग के पीछे आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिलते हैं इधर साइड, और इधर साइड आपको मिलते हैं ऑटोमेटिक हेडलैम्प के सारे कंट्रोल्स, जो हेडलैम्प्स आपको मिल रहे हैं भाई ऑटोमेटिक। एडजस्टमेंट की अगर बात की जाए तो ये लीवर आपको मिल रहा है, ये मैंने किया भाई इसको अनलॉक। अब आप इसको ऊपर नीचे सिर्फ कर सकते हो, आगे पीछे नहीं होता, सिर्फ टिल्ट टेलीस्कोपिक आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये हो गया, अब आते हैं भाई
सेंटर कंसोल में 8 इंच की स्क्रीन है भाई, काफी बढ़िया सी। आपको यहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सभी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। आप आराम से इसको चला सकते हो। इसका टच रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा है। साइड में बटन्स वगैरह आपको भी दिए जा रहे हैं, जिसके थ्रू आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं अगर आपको टच से थोड़ी सी भी दिक्कत होती है। रिवर्स कैमरे की अगर बात की जाए तो ये देखो, एक बार जरा मैं रिवर्स गियर लगा के आपको दिखाता हूँ भाई इसकी क्वालिटी। ये है इसका रिवर्स कैमरा, क्वालिटी तो काफी अच्छी सी है। साथ में आपको गाइडलाइंस मिल रही है, जिसके थ्रू आप जिधर भी इसके स्टीयरिंग को मोड़ेंगे उधर आपको ये डायरेक्शन बताएगा। इसी के नीचे आएंगे, दो एसी के वेंट्स हैं। यहाँ पर आपको एज लाइट का बटन मिल जाता है। इसी के साथ में यहाँ पर है भाई एसी के सारे कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है आपके पास में। उसी के साथ आपको यहाँ पर मिलता है भाई फैन स्पीड को तेजीम करने के लिए यहाँ पर बटन्स दिए जा रहे हैं। बाकी रियर फ्रंट के मिल जाते हैं आपको डीफॉगर, और बाकी यहाँ पर आपको मिल जाता है भाई ऑटो का बटन। नीचे अगर चार्जिंग पोर्ट्स की बात की जाए तो देखो यूएसबी है, टाइप सी है, और एक 12 वॉट का भी आपको मिलेगा। तीनों ही आपको दिए गए हैं, बाकी मोबाइल वगैरह आप यहाँ पर रख सकते हो। और ये भाई इसका गियर लीवर जो कि मिलता है आपको 6 स्पीड मैनुअल। यहाँ पर आपको मिलते हैं भाई फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के बटन, अगर आप इसको प्रेस करोगे तो फ्रंट के जो पार्किंग सेंसर्स है वो बंद हो जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे। आप यहाँ से इसको ऑन भी कर सकते हो, बंद भी कर सकते हो। मैनुअल आपको दिया गया, हैंडब्रेक दो मिलते हैं आपको, कप होल्डर्स, ये कुछ रहेगा भाई फ्रंट का आर्मरेस्ट, जिसके अंदर भी मिलता है भाई सेपरेट स्पेस, कुछ भी वॉलेट वगैरह आप यहाँ पर रख सकते हो। डैशबोर्ड पे अगर आए तो देखो ये कलर कुछ और सा है, अगर आप देखोगे कैमरा में ऊपर ब्लैक रहेगा, यहाँ पर आपको हल्का सा ग्रे टाइप का फील आने वाला है। उसी के साथ अगर इसके ग्लव बॉक्स की बात की जाए तो यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम है, गाड़ी के पेपर रखने में भी आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि स्पेस अगर आप देखोगे एक्चुअली तो काफी कम मेरे को लग रहा है। बाकी एक बार आप कमेंट में जरूर बताना। बाकी ऊपर आपको यहाँ पर मिल जाता है इसका मैनुअल डे नाइट IRVM, यहाँ पर आपको मिलता है सनग्लास होल्डर, यहाँ पर आपको लैम्प मिलेगा जो कि रहेगा व्हाइट लाइट, और ये रहा इसका सनरूफ का बटन, एक बार मैंने किया प्रेस, ये देखो इसकी सनरूफ हो गई ओपन, जो कि आपको मिली काफी बड़ी सी पैरानोमिक सनरूफ। स्पेस काफी अच्छा सा है, और आप एक बार इसको प्रेस करोगे ये हो जाएगी बंद, साथ में इसकी रूफ भी पीछे से चली आती है जब आप इसको बंद करोगे। को पैसेंजर साइड आपको मिल जाता है एक मिरर, अगर ड्राइवर साइड की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ टिकट होल्डर है, कोई भी मिरर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो भाई फ्रंट हो चुका है कंप्लीट, रियर हो चुका है कंप्लीट, कैबिन हो गया पूरा कंप्लीट। अब हम निकलते हैं इस गाड़ी के बाहर, अब हम बात करते हैं भाई इस गाड़ी में आता है कौन सा इंजन। तो यहाँ पर आपको मिलते हैं दो इंजन ऑप्शन, जिसमें से अभी आप देख रहे हो भाई इसके 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन को, जो कि भाई प्रोड्यूस करता है 115 BHP की पावर और 144 Nm का टॉर्क। दूसरा है आपके पास डीजल इंजन, जो है भाई 1.5 लीटर का डीजल, जो कि भाई प्रोड्यूस करता है 114 BHP की पावर और 250 Nm का टॉर्क। तो दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास, जो भी आपकी चॉइस है उसके हिसाब से आप परचेस कर सकते हो। अगर माइलेज की बात की जाए देखो, पेट्रोल में आपको यहाँ पर लगभग 12 से लेके 15 तक की माइलेज, और डीजल में आपको अगर आप प्यार से चलाते हो तो हाईवे पे आपको 22-23 तक की माइलेज देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो यहाँ पर आपको ABS विद EBD, सेंट्रल लॉकिंग पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, इंजन नेबुलाइजर, क्रैश सेंसर जैसे बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स हैं, बट मेनली आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स ही ऑफर किए जाते हैं। और अगर प्राइस की बात की जाए तो अभी आपके सामने खड़ा है इसका HTK+ पेट्रोल वेरिएंट, 14,05,000 रुपए इसका एक्सशोरूम प्राइस है, और लगभग आपको 16,22,000 के आसपास ऑन रोड लखनऊ ये कॉस्ट करने वाली है। तो भाई अगर आप भी प्लान करें किया की कोई भी गाड़ी परचेस करने का, तो आप विजिट कर सकते हो किया बालाजी तेलीबाग लखनऊ, जहां पर आपको मिलेगी काफी अच्छी सी डील। मैं प्रियंश आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।